महोदय से निवेदन करूंगा कि आज के संगोष्ठी के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक सर का आप वेलकम प्लान देकर के सर स्वागत करें। आज सेमिनार की शुरुआत हो रही है और सप्ताह का समापन समारोह है। कि कैसे हम दुर्घटनाओं को रोकें, तो उसको रोकने की उसकी रोकथाम के क्रम में 4 मार्च 1966 को श्रम मंत्रालय के अधीन सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत 4 मार्च 1972 से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है और 4 मार्च से शुरू होने वाला सप्ताह राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जो हर साल ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं सभी में ये कार्य हो, और उसी के तहत हम लोगों ने 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आज के दिन तक हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए हैं और आज उसका समापन के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर सेफ्टी बरेखा में सेफ्टी विभाग के द्वारा अब तक इस वर्ष में किए गए कार्यों का एक समीक्षा मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो भी सेफ्टी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वार्टरली सेफ्टी कमेटी मीटिंग जो कि सेफ्टी काउंसिल के साथ में की जाती है, स्टाफ काउंसिल के साथ में सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन किया जाता है और मॉक ड्रिल और सेफ्टी सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे वर्कशॉप के स्टाफ हैं उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, उसकी भी क्वालिटी को इंश्योर करना सेफ्टी के दायित्व है। फैक्ट्री एक्सीडेंट्स, PAW इज एक्सीडेंट फ्री सिंस लास्ट 4 कंसेक्यूटिव इयर्स। नाउ दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट आई विल से। और हमारे जो स्टाफ हैं जो प्लांट में हमारे सेफ्टी डिवीजन का सबसे प्रमुख कार्य है ट्रेनिंग और काउंसलिंग। इसमें भी ये ट्रेनिंग काउंसलिंग TDC में हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स के द्वारा दी जाती है, उसके अलावा हमारे एक इंस्टीट्यूट है मंथन वहाँ पे दी जाती है, और हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स वर्कशॉप में वर्कप्लेस पे जाकर भी काउंसलिंग और ट्रेनिंग का देते हैं। इसमें हमारा जो टारगेट और काउंसलिंग प्रदान की है सर्विस इंप्रूवमेंट ऑफ 12.09% ओवर द टारगेट। वर्कशॉप में प्लांट शॉप में कार के दौरान कार्य में जितने लीन हो जाते हैं कभी कभी कि कुछ इंपॉर्टेंट टास्क अगर वो उसके पास में कभी भी वुडन स्क्रैप या कुछ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जैसे कि स्पार्किंग हो और उससे आग लगने की संभावना हो, तो हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स निरंतर सेफ्टी इंस्पेक्शंस के दौरान में ऐसे अनसेफ कंडीशंस को पॉइंट आउट करते रहते हैं और शॉप के सहयोग से सेटिस्फैक्ट्री और नॉट सेटिस्फैक्ट्री। मुझे बहुत खुशी है ये बता जो भी हमारे वर्कशॉप के हमारे शॉप के स्टाफ हैं उनकी फायर फाइटिंग स्किल्स
पीपीस को यूज करने के बारे में, कैसे उसको यूज किया जाए, प्रिकॉशंस को, और हाइट पे काम करते वक्त क्या प्रिकॉशंस किए जाएं, और 25 kV/h के समय में क्या उसके नजदीक होने पे क्या प्रिकॉशन किया जाए। इन सब से संबंधित ट्रेनिंग के लिए ही ये सेफ्टी मंथन का इनॉग्रेशन हुआ था, और अब तक 1364 एम्प्लॉइज को वर्कशॉप के और ऑफिस के इसमें ट्रेनिंग प्रदान की जा चुकी है। इसलिए रखा था जिससे कि हमारे सभी स्टाफ जो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं उनको डिफरेंट प्रायोरिटी पे ये इक्विपमेंट्स आइटम्स प्रोवाइड किए जा सके और उनकी सुरक्षा संरक्षा को इंश्योर किया जा सके। ये लेटेस्ट IN और IS स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही खरीदे जाते हैं और इसकी क्लोज मॉनिटरिंग सेफ्टी डिवीजन द्वारा की जाती है। ये अभी तक का हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में मैंने बताया था। इसके अतिरिक्त समय समय पर स्पेशल ड्राइव जैसा कि हायर अथॉरिटीज के द्वारा या रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया जाता है इंस्ट्रक्शंस की स्पेशल ड्राइव्स या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की, वो भी हमने पिछले वर्ष में अप्रैल 22 से लेकर फरवरी तक काफ़ी एक्टिविटीज़ हमने की है, उनमें से कुछ को हमने जस्ट एक दिखाने की कोशिश की है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ प्रैक्टिस, कोड ऑफ प्रैक्टिस हमारी एक बाइबल है फायर सेफ्टी और अनकोड इंसिडेंट से बचने के लिए, और इसको हमने पिछले साल में 2 बार स्पेशल ड्राइव लिया जिससे कि हमारे सभी स्टाफ और सुपरवाइजर्स सभी लोग इसके बारे में जागरूक हो सके। इस किताब में खासियत यह है कि जितने भी फायर से रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हैं वो उसमें लिस्टेड हैं और उसमें किस लेवल पे एक्शन लेना है, कितनी प्रायोरिटी की किस स्थिति के साथ लेना है, संरक्षा को अपनाना है, संरक्षा को अपनाना है, संरक्षा को अपनाना है, समाज बनाना है, संरक्षा को अपनाना है, सुरक्षित 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 समाज बनाना है। जागरूकता के लिए आज हमारे बीच हमारे भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चे तैयार किए हैं। जागरूकता के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संरक्षा के बारे में हम आप सब जानते हैं परंतु कभी कभी लापरवाही के कारण उसको भूल जाते हैं। आज उसी जागरूकता के लिए हमारे भारत स्काउट एंड गाइड के बच्चे आपको पुनः एक नुक्कड़ नाटक के जरिए उसको याद दिलाना। उसका नाटक संरक्षा पर, संरक्षा को जगाना है, संरक्षा को जगाना है, सुरक्षित समाज बनाना है, संरक्षा को अपनाना है, सुरक्षित समाज बनाना है, संरक्षा को अपनाना है, सुरक्षित समाज बनाना है। जम्बूरे खेल दिखाएगा, खेल में क्या क्या दिखाएगा, खेल में संरक्षा ऊपर ऊपर नाटक दिखाएगा, नाटक दिखाएगा, नाटक दिखाएगा। सागर जो है कल सवेरे जब ऑफिस में आना तो वो जो मैंने काम उनको दिया है उसको इम्पोर्टेंट लिख कर दे, ठीक है? समझ आया बेटा? मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। पापा पापा मुझे साइकिल दिला दो। अरे बेटा बहुत टेंशन होता है, परसों में जा रहा हूँ, अभी जाओ। नहीं पापा मुझे चाहिए साइकिल, आप बहुत ही नहीं दिला सकता। नहीं पापा मुझे चाहिए, आप नहीं समझ रहे हो, मेरे दोस्तों में बेइज्जती होती है, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है जाओ, मैं शाम को देखता हूँ। अरे पापा आप तो ऑफिस जा रहे हो, आपने सेफ्टी सूट और सेफ्टी हेलमेट नहीं पहना। तुम मुझे बताओगे कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है? अरे पापा आपसे हम ही लोग हैं, आप सुरक्षित हैं तो हम लोग हैं। आप ठीक है मैं पहन लूंगा। ठीक है आप ऑफिस जा रहे हो, सेफ्टी सूट और सेफ्टी हेलमेट ऑफिस में पहन लेना। और सागर भाई क्या हाल है? क्या वसीम भाई, घर पे आता हूँ घर का टेंशन, इधर बच्चे ने बोल दिया साइकिल के लिए और ऑफिस आओ सुपरवाइजर बोलता है कि सेफ्टी हेलमेट पहनो, सेफ्टी सूट पहनो। अरे सही तो बोलता है, सेफ्टी सूट और सेफ्टी हेलमेट पहन के ही काम करना चाहिए। क्या वसीम भाई अब तू भी लग गए, चलो जाओ प्लेट लेके आओ। अरे सागर भाई ये तो बहुत पसंद है, जरा आगे हाथ तो लगाओ। ऑफिस में आओ तो प्लेट, आता हूँ आता हूँ। बहुत वजन है ये भाई।
देखा आपने, आपके सामने सावधानी हटी और दुर्घटना घटित। यस सर। वो ऐसा करो, तुम थोड़ा चले आओ एलटीएस के पास, ठीक है? वहाँ पे देखो क्रेन में कुछ प्रॉब्लम आई है, ठीक है? और ट्रेन में जब तुम कर चढ़ोगे तो सीढ़ी जो है वो थोड़ी टूटी है, मेंटेनेंस सारे दिए हुए हैं, लेकिन वो जरूरी है, ट्रेन चलना है, ठीक है ना? तो तुम वहाँ पे अपना जो छिट ले जाना, तुम बहुत लापरवाही करते हो कई बार, तुम्हारे नाम से इसके बारे में आया कि तुम जो है सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं करते, जी सर, ठीक है? जाओ और जाके अपने कुछ लड़कियों के साथ ले जाना, क्योंकि सीढ़ी को पीछे से पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो सड़क जाएगा, समझ में आया? जी सर। जाओ अनुज, अभी ले क्या ना अरे उससे क्या, जुगनाथ टेक्नोलॉजी है ना, सब हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से देखा आपने, उसको सुपरवाइजर ने आगाह किया कि आप सुरक्षित कार्य करिएगा, लापरवाही नहीं करिएगा, लेकिन उसने जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे विश्वास किया। उसका मानना है कि अगर बिस्तैया का एक टांग टूट गया तो बिस्तैया नहीं चलेगा, चलेगा। ये सिद्धांत गलत है। आप जब भी वर्किंग ऑन हाइट पे काम करें, कृपया होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर उसके कोई डंडी टूटी हुई है तो उसको बदल दीजिए। दूसरा चीज है, साथ में एक आदमी या दो आदमी को ले जाएं, अगर नीचे लॉकिंग सिस्टम नहीं है तो उसको प्रॉपर लॉक लगाएं। तीसरा चीज है, थ्री पॉइंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। थ्री पॉइंट टेक्नोलॉजी क्या है, जब आप सीढ़ी को पकड़ते हैं तो वो चार पॉइंट में पकड़ा हुआ है, जब भी आप चढ़ेंगे वो आपका दो इस तरह से, एक हाथ आपका अगर हवा में है तो एक पैर आपका जुगाड़, दो पैर एक हाथ रहेगा। अगर आपका पैर उठ रहा है तो दो पैर एक पैर दो हाथ आपका रहेगा। इसको कहते हैं थ्री पॉइंट टेक्नोलॉजी। अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऐसा केस होगा आपके सामने, ये आपने जो देखा। संरक्षा को अपनाना है, संरक्षा को अपनाना है, सुरक्षित समाज बनाना है। आप ऐसा है, तुम थोड़ा चले आओ, वो एलटीएस में तो गाड़ी खड़ी हुई है, उसका हॉर्न खराब हो गया है, कई बार कोशिश बज रहा है, ड्राइवर बता रहा था कि वो बज नहीं रहा है टेस्टिंग के दौरान, तो उसको जरा ठीक करा दो। देखो हम हाथ बना के हम घर चले जाएंगे, बहुत जल्दीबाजी है। देखो तुम बहुत जल्दीबाजी करते हो, ज्यादा जल्दीबाजी मत किया करो, ठीक है ना? जो भी सेफ्टी है उसको पालन करो, और जो लड़के तुम्हारे साथ है वो थोड़े नए हैं, तुमसे ही सीखेंगे, तुम सही काम करोगे वो सही काम करेगा। हाँ हाँ, काम करके हम जल्दी निकल जाएंगे। चलो भाई, क्या देखो उसको, नट बोल्ट बोलो, उसको हाथ निकालो। अरे अरे सर, उसमें तो मधुमक्खी छत्ता लगाया हुआ है। छत्ता मधुमक्खी नहीं ना है? नहीं नहीं नहीं, छत्ता। पाइप ले आओ, एयर वाली पाइप ले आओ। अरे आपको पहले ही ना बोला था, तो जाके ले आओ नीचे से, ऊपर थोड़ा बचा के, ऊपर से लाइन गई हुई है। तरिंग 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 तरिंग, हेलो भाई आपका फोन आ रहा है। तरिंग तरिंग, हां देखता हूं। तरिंग तरिंग, हेलो। अरे आलोक भाई, आपको पता नहीं इतने साल से ड्यूटी कर रहे हो और आप अभी भी कार्यस्थल पे फोन लेकर आते हो? हां हां, बहुत अच्छी बात है, तुम नहीं लाते हो तो भाई जानते हो किसका फोन है, भाई कमांड का। जाएंगे घर में ना तो रोटियों नहीं मिलेगा। हेलो हेलो, लगा नेटवर्क नहीं है। अरे भाई, अरे भाई, देखा आपने, हर जगह पे कार्यस्थल पे कई बार आपके संरक्षा अधिकारी ने ट्रेनिंग दिया है कि कार के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा चीज कि जब भी आप 25 केवी ओईची के नीचे कार करें, सबसे बेसिक चीज कि कम से कम 2 मीटर का गैप आपको याद रखना है। हम तो कहते हैं 2 मीटर नहीं, आप 3 मीटर का गैप याद रखिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फोन को लेके सामने ऐसे वो बैठे थे 2 मीटर के नीचे, लेकिन जब हाथ बढ़ाया
दो मीटर के रेंज में आ गया, उनको करंट लग गया। और अगर ऐसा सावधानी हटाएंगे और उनको कभी भी जब भी 25 के भी ओएचई पे कार करें उसके पहले प्रॉपर शटडाउन लेना जरूरी है। उन्होंने शटडाउन भी नहीं लिया, कार ऐसे ही करते रहे, उसका दुष्परिणाम आपके सामने है। संरक्षा को जगाना है, तार बिजली से, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। अरे ये तार किसने खुला छोड़ दिया है, कितना लापरवाही यहाँ पे करते हैं। अरे महाराज बॉक्स लेके आओ इधर। अरे अनुज भाई कम से कम मेन लाइन तो काट लिया होता। अरे बस 2 मिनट का काम है, अभी 2 मिनट में करके हम निकल जाते हैं। तुमने मैं लाइन कटवाया नहीं, तुमने ग्लव्स पहना नहीं, ये कैसे करोगे? अरे इतना लापरवाह थोड़ी है, 2 मिनट का काम है, तब तुम निकल जाएंगे। ये जोड़े इसको। दिखा दे, जब भी आपकी एक छोटी सी चीज है जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, काम करिए, स्मार्ट बनिए, ओवर स्मार्ट कतई न बने। आपके सामने देखा कि उसका साथी आगाह किया कि जब भी चलती लाइन में आप काम कर रहे हैं बिजली के लाइन पे, तो आप प्रॉपर जो है मेन स्विच को ऑफ करें, उसके बाद ही कोई काम करें। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे कुछ नहीं होगा ऐसा कतई न सुना। ठीक है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। संरक्षा को अपनाना है, सुरक्षित समाज बनाना है, संरक्षा को अपनाना है, सुरक्षित समाज बनाना है। थी आपके लिए जो हम अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं 0 नुकसान, उसके लिए आपको जागरूक करने के लिए एक छोटा सा प्रयास था। आप लोग संरक्षा का ध्यान रखिएगा, उसको अपनाइएगा। नमस्कार। संरक्षा को अपनाना है, संरक्षा को अपनाना है, सुरक्षित समाज बनाना है, संरक्षा को अपनाना है, सुरक्षित समाज बनाना है, सुरक्षित समाज बनाना है। भाग ले रहे हमारे कलाकारों का नाम सागर कवर किया है, बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, नसीब बचाए एक बार, सुरक्षा बचाए बार बार। तो हम लोगों की जो सेफ्टी में है वो कहा भी जाता है कि 98% एक्टिविटीज को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। बरेका परिवार को सेफ्टी पर कुछ दिशा निर्देश, कुछ अपने अनुभवों से हम लोगों को मार्गदर्शन करें सर प्लीज। का परिवार के सभी अधिकारियों, विभाग के प्रमुख मुख्य अधिकारी, अन्य सभी मुख्य अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी, आज इस 52वें राष्ट्रीय संरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुझे गर्व महसूस होता है कि बरेका जैसे एक इतने अच्छे उत्पादन संस्थान जिसका कि एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है और वह निरंतर अपने कार्य में प्रगतिशील है पूर्ण सुरक्षा के साथ, जैसे कि अभी सेफ्टी ऑफिसर ने कहा कि यह बरेका का लगातार 4th वर्ष है। ये सबका श्रेय प्रत्येक व्यक्ति को जो कि इस संस्थान से जुड़ा हुआ है वो जाता है। संरक्षा या सेफ्टी ये कोई एक दिन में क्रिएट होने वाली आदत नहीं होती है, ये एक कल्चर है, ये एक स्वभाव है जिसको कि अपने अंदर ढालना पड़ता है।
और उसको बखूबी ढाला है परेका ने। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कभी फर्दर इंप्रूवमेंट का स्कोप ऑलवेज रहता है। बहुत सी साधारण सी बातें होती हैं जो कि हम लोगों की जानकारी में रहता है, लेकिन फिर भी नॉट ओनली कार्य क्षेत्र में, हम लोग अपने घर में भी असावधानियां बरत लेते हैं। दरवाजा खींच रहे हैं, ध्यान नहीं रखा कि कब्जे के पास ही दूसरा हाथ छूटा हुआ है, या हैंडल से हाथ निकालते वक्त समय के पहले ही दरवाजा खींच लिया, हाथ फंस गया, या कोई कीट ठोक रहे हैं और बिना सावधानी बरते बगैर हाथ पे ही पड़ गया, तो इस तरह की चीजें, या गैस जला रहे हैं या कोई गर्म चीज को हाथ दे रहे हैं बगैर सावधानी दिए हुए आपने हाथ दे दिया। हम सबके जिंदगी में ये सब घटनाएं घट चुकी हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो एक गलती से सीख लेता है और वो गलती कम से कम अगली दफा नहीं करता है। और उससे भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो बगल में देख रहा होता है किसी का साथ होते हुए, और तभी अपने आप को संभाल लेता है कि ये अपने आप कार्य क्षेत्र में तो और भी ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट या किसी भी कार्य संस्थान, इतने वृहत कार्य संस्थान के लिए उसकी जो मानव शक्ति होती है वो बहुत ही बड़ा एक एसेट होता है। सबसे बड़ा एसेट वही है। उस एसेट को ठीक से इस्तेमाल करना, हैंडल करना, यानी कि हमारा जो कार्य शक्ति, कार्य बल है वो हमेशा पूर्ण रूप से सक्षम रहे, इसकी जिम्मेवारी हर व्यक्ति पर है। जिम्मेवारी मेरे से शुरू होती है, मैं ये जिम्मेवारी सबसे पहले अपने ऊपर लेता हूं, और आपसे भी उम्मीद करता हूं पहले अपनी सुरक्षा इंश्योर करिए और अपने साथी कर्मचारियों की सुरक्षा इंश्योर करिए, क्योंकि उससे उसका परिवार जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है या कोई कष्ट में आता है तो उसके साथ जुड़ा हुआ उसका पूरा परिवार मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। और प्रोडक्शन में, काम में मजा तब आता है जब स्फूर्ति रहे, सवेरे काम में जाते वक्त यह रहे कि आज मुझे ये काम करनी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी। शॉर्टकट नहीं बरतना है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी को नहीं इस्तेमाल करना है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हमने अपनी जिंदगी में होते हुए देखी हैं। बफर के द्वारा आदमी खड़ा हुआ काम कर रहा है, दो गाड़ियों के बीच में बफर के बीच में चपटा हो जाते हुए देखा है, पानी छिड़कते हुए ओएची के ऊपर करके इलेक्ट्रोक्यूट होते हुए देखा है, पूरा बदन एक मुहूर्त के अंदर काला अंगूर की तरह एकदम लगने लगता है इंसान का शरीर। आप बरसात के मौसम में छाता लेकर के ओएची के नीचे चलिए, तब भी आपको छाते के हैंडल में चिन 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 सा फीलिंग आता है, इतना हाई उसमें इंडक्शन पावर रहता है। दिया गया है कि नहीं, वो चीज इंश्योर करके तभी चढ़िए। तो काम पे करना है, ग्राउंड पे काम कर रहा है ठीक है, कभी ऊंचे जगह पे या किसी रिस्की जगह पे उस वक्त नहीं काम करना चाहिए। सबके जिंदगी में आप लोगों ने अनुभव किया होगा, लेकिन हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सिर्फ आपके साथ नहीं मेरे साथ भी दिक्कत है, कि हम अक्सर सब चीज देखने के बाद भी लेकिन कहीं ना कहीं पे शॉर्टकट कभी ना कभी मारने की कोशिश करते हैं। इसको अपने आप को रेस्ट्रेन करिए,
अगर एक सुदृढ़ और ट्रबल फ्री एटमॉस्फेयर हमें क्रिएट करना है तो हम सबको इसमें एकजुट होना होगा और हम लोग पूर्ण रूप से इसमें सक्षम हैं। बच्चों ने इस जागरूकता सप्ताह के दौरान जो चित्र कला के माध्यम से संरक्षा पर संदेश देने का प्रयास किया है, मैं तहे दिल से उनको आशीर्वाद देता हूं और स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चों ने भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शॉप में एवं आज जो पहल किया है, जो संदेश देने का प्रयास किया है, मैं इन बच्चों के स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इन्हें आशीर्वाद देता हूं और बरेका परिवार में मुझे तो इतना अच्छा लगता है, यहाँ पे सारे अधिकारी इतने प्रोएक्टिव दिखते हैं, जितने भी विभाग के मुख्य प्रमुख अधिकारी हैं, ऊर्जा उन्हीं से निकलती है और मुझे यह कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि इतना बढ़िया टीम और दिल से काम करने वाले और टीम में काम करने वाले अधिकारियों को के साथ काम करने का मौका मिलना ये एक सौभाग्य है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं और आप सब ऐसे अधिकारियों के साथ आप लोगों को भी काम करने का मौका मिला है, मार्गदर्शन हो रहा है, इसका फायदा लीजिए क्योंकि अधिकारी का कार्यकाल किसी भी जगह पे बहुत छोटा होता है, एक दो साल का अधिक से अधिक, विशेषकर इस स्तर पे आने के बाद, तो इसका पूरा फायदा लीजिए और बरेका को और आगे ले जाइए, अग्रसर करिए इस ऑर्गेनाइजेशन को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से इस सफल आयोजन के लिए जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, इंक्लूडिंग सेफ्टी ऑफिसर, चीफ सेफ्टी ऑफिसर, उनकी टीम और वर्कशॉप के हर शॉप के एसएससी, उनके अधिकारी, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और ये जो अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, विशेष रूप से चूंकि आज हम लोग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले हैं, मैं आप लोगों से एक बार लास्ट में फिर से ये रिक्वेस्ट रखना चाहूंगा कि इसको अपने कल्चर में डाल दीजिए, अपने हैबिट में डाल दीजिए, अपने घर के दिनों दिन व्यवहार में भी डाल दीजिए कि गलती हो ही ना, एकदम फेल सेफ कर दीजिए। और एक अंग्रेजी में कहावत है कि डू राइट एट द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब काम कर रहे हैं उसको एकदम सटीक उसी वक्त कर डालते हैं कि नहीं अभी कर लेते हैं, किसी तरह से अगर फिट नहीं हुआ फिर थोड़ा सा लूज करके फिर उसको एडजस्ट कर लेंगे, ये सोच से हम लोगों को निकलना है, माइंड को इतना फिक्स करना है इस मामले में कि पहली बार में करेंगे और बिल्कुल सही करेंगे। धन्यवाद। हेलो, एक औपचारिकता के रूप में हम लोगों को, क्योंकि मैं इसको औपचारिकता ये इसलिए बोलता हूं क्योंकि वास्तव तो वही है जो हम करते हैं औपचारिकता, लेकिन हाँ औपचारिकता कभी कभी हमें उस बात की याद दिलाती है, इसीलिए वो भी जरूरी हो जाती है। तो मैं आप सब, मैं ये सभी लोग खड़े हो जाएं, एक प्लेज सेफ्टी प्लेज हम लोग ले लेते हैं, मैं प्लेज रीड आउट करूंगा निष्ठा से, मैं सब निष्ठा से
प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पुनः अपने आप को सुरक्षा स्वस्थ एवं पर्यावरण के प्रति समर्पित करूंगा नियमों कार्यविधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरणादायक अभिव्यक्तियों एवं आदतों का विकास करूंगा मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटनाएं और व्यावसायिक बीमारियां राष्ट्रीय अस्वस्थता को दुर्बल बनाती हैं तथा यह विकलांगता मृत्यु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं एवं संपत्ति की क्षति सामाजिक कष्ट और पर्यावरण के निष्कृष्ट होने का कारण बनती हैं मैं अपने परिवार संगठन समाज राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा धन्यवाद जय हिंद किया है संरक्षा विभाग संरक्षा अधिकारी इसलिए तो स्टाफ लेवल पे बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं सेफ्टी अवेयरनेस करते रहते हैं अभी हमारे हेड ऑफ फैमिली ने भी आज हम लोगों को और सारे बड़े ऑफिसर्स के बीच में सबको सेफ्टी अवेयरनेस के कई पॉइंट्स पर डिस्कस किया धन्यवाद सर किया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि श्रीमान पी के साहब महाप्रबंधक बरेका महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस सुरक्षा संगोष्ठी में अपना अमूल्य समय और संदेश देकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है सर सुरक्षा विभाग के लिए प्रसन्नता की बात है कि आप सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर निरंतर विशेष नजर रखते हैं इससे निश्चित तौर पर उत्पादकता गुणवत्ता के साथ साथ सुरक्षा पर प्रमुख स्थान मिल रहा है आपके नेतृत्व में बरेका कारखाने में सुरक्षा को एक नई ऊंचाई और पहचान प्राप्त होने की